दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको आयुष्मान कार्ड कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में आयुष्मान ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद हम इसे ओपन कर लेंगे। दोस्तों उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे जैसे कि ये देख सकते हैं ये ऐप ओपन हो रहा है। उसके बाद आपको सिंपली करना है क्या है, नीचे एक्सेप्ट वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे राइट साइड में लॉगिन का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन एज के आगे बेनिफिशियरी और ऑपरेटर का दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है। दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे करना क्या है, बेनिफिशियरी पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है, जो भी आपका नंबर है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ वेरीफाई पे क्लिक कर लेंगे। वेरीफाई पे जैसे क्लिक करेंगे जो भी आपने नंबर डाला हुआ है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर मोबाइल ओटीपी है, देख सकते हैं सबसे ऊपर ये जो ओटीपी आ गया है वो ओटीपी आपको यहाँ पे सिंपली ओटीपी कर लेना है, एंटर कर लेना है और यहाँ पे ये कैप्चा फिलअप कर लेना है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक कर लेना है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे ये कुछ अलाउ करने का ऑप्शन देगा तो उसे अलाउ कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आप कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो दोस्तों आपको सिंपली करना है क्या है, जो भी आपका सबसे पहले वाले सेशन, ये जो सबसे पहला वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पर हम क्लिक करके आपको यहाँ पे सिंपली सबसे पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, PMJAY, ठीक है। तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दूसरे वाले में स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आप जिस भी स्टेट से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, गुजरात से हैं, हरियाणा से, जहां से भी हैं आप वो स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे बिहार सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ सब सर्च में आपको यहाँ पे भी आपको PMJAY सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ सर्च बाय, इस पर आपको सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा है, नेम, रूरल, अर्बन, PMJAY आईडी। आपको यहाँ पे आधार वाला ही आधार नंबर ही सिलेक्ट कर लेना है और अपना आधार कार्ड नंबर आपको पहले यहाँ पे डाल लेना है। पहले आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जैसे कि मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है दरभंगा पड़ता है दोस्तों, मैं यहाँ से दरभंगा सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर एंटर कर लेना है और सर्च पे क्लिक कर लेंगे। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपका इसमें आपको ध्यान रखना है, आपका राशन कार्ड अगर बना हुआ होगा तभी आएगा डिटेल। आप जैसे देख सकते हैं कि मेरा राशन कार्ड में मेरा नाम है, साथ में राशन कार्ड में जितने भी मेंबर हैं उन सभी का डिटेल आपको यहाँ पे शो कर रहा है दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं रोशन कुमार मिश्रा, और यहाँ पे जो भी मेरा अभी मैंने KYC के लिए वेरीफाई के लिए अप्रूव दिया है, आपको यहाँ पे सिंपली करना है क्या है, KYC करने के लिए जैसे कि मैं यहाँ पे पहला वाला मीना मिश्रा के नाम से इसको हम KYC करना है, तो आपको यहाँ पे DEKYC पे क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, फिंगरप्रिंट, फेस और IR, IR, IS स्कैम, आधार ओटीपी। सबसे पहले आप यहाँ पे आधार ओटीपी वाला भी बेस्ट ऑप्शन है, इस पर आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे और वेरीफाई पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे यस एक्सेप्ट करके अलाउ कर लेना है। और आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर है, जो भी मैंने अभी मेंबर सेलेक्ट किया है उसके आधार कार्ड में जो भी नंबर लगा हुआ है उसको ओटीपी जाएगा, और जो भी अभी आप जिस नंबर से लॉगिन किया है वो नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको फिलअप करके और सबमिट कर लेना है दोस्तों, और KYC कंप्लीट कर लेना है। जैसे KYC कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।